दोस्तों, अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए देख रहे हैं एक शानदार विला या डिजाइनर विला, तो ये वीडियो जो आज की है वो खास आपके लिए है। तो दोस्तों, घर जो हमारा रहेगा 30 फीट की इसकी विड्थ रहेगी और 54 इसकी डेप्थ रहेगी, और बिल्कुल डिजाइनर विला है। शुरू से एंड तक आपको पूरा देखते अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, इसके फ्रंट की बात करें तो इसका जो मेन एंट्रेंस डोर है, आप देख सकते हैं वुडन क्लैडिंग इसके ऊपर लगी हुई, आयरन है। उसके बाद इसके अंदर जो डिजाइन आपको सामने की तरफ दिख रहा है पूरा, वो बिल्कुल यूनिक डिजाइन है। काफी अच्छा काम पूरे घर के अंदर यहाँ पर किया गया है। काफी सामने की तरफ काफी अच्छा हमें ग्रीन एरिया मिल जाता है। पॉच एरिया जो यहाँ पर है वो काफी अच्छा है, सो इसकी वजह से जो हमें ग्रीन एरिया भी यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। क्लैडिंग आपको काफी अच्छी मिल जाती है और काफी हैवी आयरन डोर मिल जाता है आपको, मेन एंट्रेंस डोर। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो घर है वो सालों साल के लिए, और पार्किंग यहाँ पर आपको बिल्कुल SUV की पार्किंग पूरी मिल जाती है। अब इस तरफ से हम देखते हैं, आपके पास जो ग्रीन एरिया है वो देखिए काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि 100 फुट की रोड है तो बम्प हमारे पास काफ़ी है। और ठीक यहाँ पर जो है आपकी पूरी टाइल्स के साथ एक अलग ही डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया। देखिए नीचे से ऊपर तक है, कई सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के साथ ही आपको घर पूरा मिलता है। यही खास चीज़ होती है, जब आप घर लेते हैं तो सालों साल तक आपको अपना घर जो है वो बाकी घरों से अनोखा लगता है, अलग लगता है। पार्किंग में भी आपको पूरा डिजाइन मिलेगा, और यहाँ पर इस तरफ देखें तो आपको पूरा डिजाइनर वॉल आपको यहाँ पर मिलती है। सामने आपका बिल्कुल एक शाही साथ मेन एंट्रेंस डोर मिलेगा, जो कि बिल्कुल डिजाइनर है। एक साल की डोर के साथ इसको बनाया गया है, एक अच्छा वुड है और पूरा पॉलिश किया गया है, और हैवी सा डोर है इसका। ओपन करते ही जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारे पास एक शानदार सा, वाओ, इसके लिए तो शब्द भी बिल्कुल कम पड़ते हैं, बिल्कुल खास चीज़ है। आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, लेकिन डाइनिंग एरिया के अंदर आप देखिए चकाचौंध, बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में जैसे पहुंच जाते हैं। 16x16 का आपका ये एरिया रहेगा, डाइनिंग एरिया, जहां पर आपको स्टेज भी आपको बीच में मिल जाती हैं। एक अच्छा सा टीवी पैनल वाली स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी ड्रॉर्स के साथ। डिज़ाइन इस घर के अंदर पूरा आपको मिलेगा, और आप ये लगा लीजिए कि इसके बाद आपको कोई और चीज़ अलग से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये घर ही ऐसा है। आपका ड्राइंग एरिया में छोटा सा आपको पार्टीशन कर दी गई है, और डिज़ाइन के साथ दी गई है वुडन पार्टीशन, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि कोई कमी यहाँ पर रह गई थी। छोटी छोटी लाइट्स आपको यहाँ मिलती हैं। और ड्राइंग एरिया की अगर बात करें तो 16x11 का आपको मिलता है। नीचे आपको बैट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगे, और टाइल्स के डिज़ाइन कुछ ऐसे हैं जैसे आपका इटालियन मार्बल यहाँ पर लगा होता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आप बड़ा सा सोफा सेट अपना यहाँ पर रख सकते हैं। वॉल पर आपको डिज़ाइनर वॉलपेपर मिलेगा, इसके साथ आपको क्लैडिंग मिल जाती है, और सीलिंग पर बेहद शानदार डिज़ाइन। और डिज़ाइनर विला का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ है उसके अंदर एक अनोखा डिज़ाइन मिले, जो नॉर्मली हर जगह ना मिलता हो या ना दिखता हो। ड्राइंग रूम से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अपने डाइनिंग एरिया में से निकलते हैं, तो सामने हमारे पास एक यू शेप के अंदर हमारी किचन आ जाती है, जो कि 11x10 की है, और काफ़ी अच्छा साइज है। देखिए एंट्रेंस बिल्कुल डिज़ाइनर आपको मिलेगी यहाँ पर भी, और किचन के अंदर आपको हॉब ऑलरेडी फिटेड यहाँ पर मिलेगा। ग्रेनाइट आपको यहाँ पर लगा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर, स्पार्कल्स के साथ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। टाइल्स आपकी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक इसके ऊपर आपको जो है ऑलरेडी फिटेड चिमनी यहाँ पर मिल जाएगी, और देखिए चिमनी के साथ जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल मैचअप कर दिया गया है। नीचे छोटे छोटे लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छा इंप्रेशन देते हैं। हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ पर पूरे मिलेंगे, कैबिनेट्स आपके बड़े बड़े हैं, जितने भी आपके जार्स हैं वो कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे, पूरी प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कॉर्नर्स भी आपके जो है पूरे कवर किए गए हैं, दोनों तरफ से आप खोल के जितना सामान आप रखना चाहते हैं उतना आप रखिए। तो आपकी एक किचन के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम आपका पूरा यहाँ पर सेट हो जाएगा, कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ डबल डोर आपका फ्रिज हो वो पूरा आएगा, प्रॉपर आपके जितना सामान यहाँ पर इस किचन में आप रख सकते हो, मुझे नहीं लगता शायद और कहीं आपने देखा होगा। डबल लेमिनेशन है सारी, हर चीज़ आपको ब्रांड के साथ मिलती है, एक भरोसे के साथ मिलती है, ताकि आपकी कोई चीज़ें कहीं रह ना जाए। और सॉफ्ट क्लोजेस है हर जगह पर, ये कहीं पे कोई कमी नहीं रहती है। एक अच्छे डिजाइन के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा घर आपको मिल जाता है। देखिए वो चीजें हैं जिनकी हम शुरू में कई बार कल्पना करते हैं कि हमें मिले, लेकिन बहुत कम होता है कि हमें वो चीजें दिखती हैं। सिंक आपका डबल रहेगा, काफी डीप है, जैगुआर की फिटिंग रहेगी, एक अच्छी ब्रांड के साथ एक अच्छा डिजाइन भी है,
और खिड़की के सामने आप देखें तो ग्रीनरी आपको पूरी नजर आएगी। किचन में भी सीलिंग पर पूरा काम किया गया है। तो कुल मिला के आपको जो किचन मिलती है, कंप्लीट किचन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और कंप्लीट किचन ही नहीं, मैं पूरा घर आपको बता दूंगा। और बढ़ते हैं जैसे थोड़ा सा आगे तो हमारा फर्स्ट बेडरूम आता है। बिल्कुल 17x13 का हमारा जो ये हमारा बेडरूम रहेगा, बिल्कुल मास्टर बेडरूम और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, एक अच्छी स्पेस कि बिल्कुल बेड के सामने आपके पास टीवी पैनल लगा है, एक अच्छी स्पेस है। और मैंने जो किया है वो और बढ़िया किया है। वॉलपेपर के बीच में भी आपको एक जो डिज़ाइन पूरा मिलता है, कहीं पर कोई चीज़ पे ऐसे नहीं रहती कि कोई सिंपल छोड़ दी गई है। ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा बीच में, एक अच्छी स्पेस, एक अच्छा डिज़ाइन वॉलपेपर आपको मिलता है। और देखिए यहाँ पर जो आपकी जो वार्डरोब्स है वो बिल्कुल स्लाइडर डोर्स के साथ है, एक अच्छे हैंडल्स आपके आपको मिलते हैं देखने में। क्वालिटी वर्क है वो पूरे घर के अंदर हमें मिल जाता है, वहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। ये कोई भी एक कॉर्नर देख लीजिए, हर कॉर्नर में आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा, एक अलग चीज़ मिलेगी। बढ़ते हैं जैसे वॉशरूम में, तो वॉशरूम में भी आपको पूरा एक अलग ही क्वालिटी यहाँ पर मिलती है देखने में। वॉल हैंगिंग आपका जो सिंक मिलेगा और वो भी ड्रॉर्स के साथ, और काफ़ी बड़ा सिंक है। अब देखिए ये अगर बड़े सिंक लगाने हो तो मतलब आपका जो बाथरूम का साइज़ है वो भी बड़ा होना चाहिए, और वाकई बड़ा शानदार साइज़ है। देखो डिज़ाइन के साथ क्वालिटी पूरी मेंटेन की गई है। देखिए यूजली होता क्या, जब ऐसे घर आप बनाते हैं तो आपका खर्चा इतने हद तक आ जाता है तो आप सोचते ही छोड़ देते हैं, आप उसको बना ही नहीं पाते। तो हम आपको एक डिज़ाइन बना बनाया एक दिखा रहे हैं, तो जहां से आपको अपने जो सपने हैं वो यहां पर इस घर के अंदर पूरे कर सकते हैं। उसे इस रूम के साथ हम बढ़ते अपने सेकंड बेडरूम पे। नीचे जो हमारा रहेगा दो बेडरूम हॉल किचन आपको पूरा मिल जाता है। और जैसे हम सेकंड बेडरूम में आते हैं, ये भी आपका पूरा साइज़ अच्छा मिल जाएगा, 13x13 का बेडरूम जो कि काफ़ी खुला डुला है, इसलिए आपका 6x6 का बेड लगने के बाद ये तीनों साइड हमारे पास पूरी जगह रहेगी। वो फिर चाहे बेड का फ्रंट हो या उसका राइट हो या उसका लेफ्ट हो, सारों चारों तीनों तरफ आपके पास स्पेस ही स्पेस रहेगी। और थीम के हिसाब से आपके पास यहाँ पर वुडन वार्डरोब्स आपको मिल जाते हैं, जिसके ऊपर ग्रे कलर की शीट लगी है, और देखिए कितनी अच्छी विड्थ है इसकी, और हैंडल्स आपके बड़े अच्छे दिए गए हैं। और सेम मिलता जुलता आपका जो है वॉलपेपर जो एक डिज़ाइनर, और ठीक इस तरफ आपके पास एक बड़ा सा टीवी पैनल, ताकि आप बड़ा सा टीवी लगाएं और मन चाहे मज़े लें अपने चैनल का, फेवरेट चैनल्स का। सीलिंग पर भी आपको पूरा डिज़ाइन मिलता है, और हर रूम की जो सीलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट डिज़ाइन की है। वॉशरूम यहाँ पर भी हमें अटैच मिलेगा और काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है। देखिए रूम के थीम के साथ ये भी मिलता जुलता है, ग्रे के अंदर आया था, लाइट और डार्क कलर आपका ग्रे में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। तो जितना काम यहाँ पर मिलता है आपको, तो क्वालिटी वाली चीज़ यहाँ पर पूरी मिलती है। हर जगह आपको ब्रांड पूरा मिलेगा, ब्रांड का भरोसा ही मिलेगा, और उसके साथ ब्रांड का डिज़ाइन पूरा मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ पर। क्योंकि हम चाहते हैं जो आप घर ले रहे हैं ना, वो सालों साल आपको ऐसा ही लगे कि जो हमने उस वक्त खर्चा किया था वो आज भी उसके पैसे वसूल पूरे हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं तो जो 3-4 साल बाद देखते हैं कि वो डिज़ाइन सारे चेंज हो गए हैं, तो आज हमें पुराना लगने लगा। लेकिन अगर ऐसा घर हम देखते हैं तो वो सालों साल यार अराउंड जो नई जनरेशन आती है तब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ पूरी है हमारी। खिड़कियों पर यहाँ पर आपको पूरा आयरन ग्रिल्स मिलेंगी, सिक्योरिटी आपकी पूरी रहेगी, वैसे भी सिक्योर सिस्टम एरिया है यहाँ पर पूरा। और वायर मैश डोर हम जैसे खोलते हैं तो हमारे पास पीछे जो है वॉशिंग एरिया वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आपका जो है वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों यहाँ पर हो सकती हैं। तो यह सनलाइट यहाँ पर पूरी आती है, एक अच्छी वेंटिलेशन है, अच्छी सनलाइट है, तो हर रूम के अंदर सनलाइट पूरी आती है आपके। और जब ऐसे घर हम देखते हैं तो मज़ा आता है कि हाँ हमारे जो रहने के बाद यहाँ घर में आने के बाद तो हमारे पास जो है हर चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मतलब जितने भी डोर्स रहेंगे, इनडोर इंटरनल या आउटर, सारे हमारे 8 फीट के रहेंगे, बिल्कुल डिज़ाइनर रहेंगे। यहाँ पर पॉलिश की गई है, ग्लास के साथ फिनिश है, ऊपर से नीचे तक एक अलग ही डिज़ाइन है। सिंपली फ्लश डोर्स नहीं है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि जब एक एक चीज़ आपको डिज़ाइनर मिलती है तो वहाँ पर खर्चा भी पूरा होता है। हाँ लेकिन एक चीज़ होती है, जब हम शौक पूरे करते हैं अपने लाइफ के लिए,
तो वहां पर खर्चा नहीं हम देखते। तो दोस्तों स्टेयर्स यहाँ पर हमारी ग्रेनाइट की रहेंगी, साथ में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी और रेलिंग में जो हमारा ग्लास यहाँ पर लगा रहेगा, काफी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। जितनी भी साइड में भी आप देखिए ऊपर तक जाती है आपकी ये पूरा डिजाइन। और ठीक यहाँ पर आपके सामने 3D डिजाइन है वॉलपेपर का, यहाँ पर शायद आपको स्क्रीन पे अच्छे से नजर ना आए, अगर आप खुद जब आकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये वाकई डिफरेंट है। और ठीक यहाँ पर आपका झूमर, और झूमर इस लोकेशन पे लगा जहाँ पर ऊपर आपको बिल्कुल सनरूफ लगी है। सनरूफ का मतलब आप समझ सकते हैं, आपके फुल मून वाली जब लाइट होते हैं, नाइट होती है, तो आपके घर के नीचे तक जो रोशनी आती है ना ब्लू ब्लू कलर की मून की, तो वो अलग ही एहसास होता है। देखिए ऊपर भी आपका जो लॉबी एरिया है वो काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल अलग चीज़ है, एक अलग ही चीज़ आ जाती है यहाँ पर। तो हर चीज़ में आपको हर डिज़ाइन मिलेगा। ठीक यहाँ पर आपको पूजा रूम मिल जाता है, एक अच्छी स्पेस है यहाँ पर दी गई है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी स्पेस दी गई हो, एक पूरी प्रॉपर स्पेस आपको दी गई है और यहाँ पर भी डिज़ाइन आपको पूरा मिलेगी। और ठीक है आपके इस तरफ जो आपका ये दरवाज़ा है, हम इसे जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग से स्टोर भी मिल जाता है, और स्टोर में भी आपको जो सीलिंग है उसके ऊपर पूरी लैंप्स आपको पूरे मिलेंगे, जी हाँ डिज़ाइन के साथ। तो हम आपका कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर आपको डिज़ाइन का एहसास ना हो। हम चाहते हैं जब आप घर में आए तो आपका दिल खुश हो और सालों साल तक आपका दिल वैसे ही खुश रहे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम जो कि 16x11 का रहेगा, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, 16 फीट का मतलब होता है कि अच्छी स्पेस, काफ़ी छोटे घरों के अंदर 16 फीट का आपका जो ड्राइंग एरिया होता है और यहाँ पर आपको बेडरूम मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पेस है बेड के साथ आप सोफ़ा लगाएं या चेयर्स लगाएं, जैसा आपका मन हो आप इसको पूरा अच्छे से यूज़ करें। और दोस्तों ठीक इस तरफ हमारे पास जो वार्डरोब्स हैं आपकी साइड में कर दी गई हैं, वार्डरोब्स के साथ आपका जो है लुकिंग मिरर वो आपके राइट साइड पे आ गया है। साइड डोर्स यहाँ पर रहेंगे आपके वार्डरोब्स के अंदर, सारी की सारी डबल लेमिनेशन है, क्वालिटी की प्लाई आपको मिल जाती है विद गारंटी, आपकी कभी कोई चीज़ खराशी नहीं है जो ख़राब हो, आपको लगे कि कोई कमी रह गई हो हल्की चीज़ हो। और दोस्तों थर्ड वॉशरूम ये भी बिल्कुल आपका जो है डिज़ाइनर रहेगा, वो किसी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, हम चाहते ही नहीं है कि आपको कोई कमी वाली चीज़ दें या आधी बीच में कोई बात छोड़ दें, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल पूरे दिल के साथ खुशी के साथ अपने घर के अंदर आएँ। और ये बेडरूम जो हमारा बालकनी के साथ अटैच है और यहाँ से ये डिज़ाइन दिखता है जो हमें नीचे से अच्छे से नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता। आप देखिए नीचे से ऊपर तक आपके जो हैं पूरे बीम्स जा रहे हैं और एक अलग ही डिज़ाइन, एक अलग ही पैटर्न आपका यहाँ पर नज़र आता है। और ये आपकी 100 फुट की रोड सामने की तरफ बिल्कुल बसा हुआ एरिया है, फैमिलीज आसपास सारी रह रही हैं, तो पूरा ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। तो इसको ओपन करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों एक लाइक करना ज़रूर बनता है, आप लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट छोड़िए। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फोर्थ बेडरूम और इस घर का लास्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिलती है, 17 फीट का बेडरूम रहेगा फिर से हमारा, 17x13, तो खुले डुले बेडरूम है पूरे घर के अंदर। अगर आप स्पेस ढूंढ रहे हैं ना तो ये एग्जैक्टली घर बिल्कुल आपके लिए है। आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्ट का एक अलग डिज़ाइन है, ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत ही कम होता, बहुत रेयर होता कि ऐसी चीज़ें हमें कहीं देखने में मिलती हूँ। तो स्पेस का जो एक कॉर्नर है वो अच्छे से यूटिलाइज किया गया यहाँ पर नज़र आता है। मैं जानता हूँ अगर आप इस घर को एक बार खुद देखने आएंगे तो अपने दिल को रोक नहीं पाएंगे, पूरा डिज़ाइन क्या बात है, एक अच्छा सा आपके वार्डरोब स्लाइडिंग में आपको मिल जाते हैं वार्डरोब्स, आपके एक अच्छे हैंडल्स देखिए हर जगह आपको बड़े अच्छे हैंडल्स मिलते हैं और डीप हैं काफ़ी, ऐसे कैसे नहीं है कि कोई जगह कमी हो, अच्छे डिज़ाइन दिए गए हैं कि आपके जितना भी स्टोरेज है वो पूरी अंदर ही रहे, कोई चीज़ बाहर ना रहे। बड़ा सा टीवी पैनल हमें मिल जाता है, इस तरफ आपका जो है ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है और वो भी लैंप के साथ, एक प्यारे से लैंप्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। वॉशरूम्स आपके सारे बड़े बड़े हैं यहाँ पर और अच्छे डिज़ाइंस के साथ हैं, क्योंकि जितने भी वॉशरूम्स के अंदर हमने कलर देखे हैं वो बड़े बिल्कुल अच्छे से हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल अलग सी कोई चीज़ कर दी गई हो, बिल्कुल एक अलग ही चीज़ मिलती है। खिड़कियाँ आपको हर रूम के अंदर मिलेंगी, हर रूम में लाइट और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान यहाँ पर दिया गया है, हैवी डोर्स आपको यहाँ पूरे मिलते हैं, वायर मैश डोर आपको हर रूम में मिलता है,
और दोस्तों यहाँ से आपके जो लॉबी से आपको जो रास्ता है आपका पड़ता है पीछे ओपन। तो अगर आप सनलाइट का मज़ा लेना चाहते हैं, वॉशिंग करना चाहते हैं, तो ये रही आपके लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 180 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर घर को देखना चाहते हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सत श्री अकाल।